नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको, पहले तो ये नई साल का मेरा पहला वीडियो है 2024 का, तो इसमें मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं और आपको नए साल की बधाई भी देता हूं। जो भी इस नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान आपका जीवन धन्य करे, भगवान आपका जीवन में, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलताएं प्रदान करे, धन संपत्ति से, हर प्रकार की खुशियों से आपका घर बढ़ जाए। दोस्तों, भगवान से यही मैं आपके लिए मनोकामना करता हूँ और आगे मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आज मैं चंड बेताल का वीडियो दे रहा हूँ। चंड बेताल कौन? भगवान शंकर का सबसे प्रिय शिष्य चंड बेताल है। भैरव जो बनते हैं, भैरव भगवान भैरव से, भैरव जो होते हैं ना भगवान भैरव, उन्हीं से बेतालों का निर्माण होता है। भगवान भैरव जब अपने एकदम पराक्रम में आते हैं, विभत्स रूप में आते हैं, तो उनमें से जो शक्तियाँ निकलती है उन शक्तियों का नाम होता है बेताल। बेताल सबसे पहले, बेताल जो है वो माँ सती के समय में पैदा हुआ था। माँ सती के समय में भैरव का जो उग्र रूप हुआ था, उस उग्र रूप से बेताल का निर्माण हुआ था। उस बेताल ने वहाँ तूफान मचा दिया था। बेताल एक बार किसी के भी वश में नहीं रहता है, बड़ी से बड़ी शक्तियों से भी टक्कर खा जाता है, टक्कर ले लेता है और कुछ भी कर सकता है। चंड बेताल जो है वो अपने आप में ही एक फेमस नाम है, जिसे सब कोई जानते हैं। जो भी तंत्र में काम करता है वो चंड बेताल को अच्छी तरह से जानता है और चंड बेताल की शक्तियों से भी वो अच्छी तरह से परिचित है। चंड बेताल की जिसने साधना कर ली, वो इस धरती पर एक छोटी मोटी शक्ति अपने आप में ही हो गया। क्यों? क्योंकि वो जिसका चाहे मारण कर सकता है, सम्मोहन कर सकता है, आकर्षण कर सकता है, वशीकरण कर सकता है, जिसका चाहे जिंदगी तबाह कर सकता है, जिसका चाहे जिंदगी बना सकता है, जिसकी जिंदगी में कोई भी कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र ब्रह्म राक्षस भी घुसेड़ दिया गया हो तो एक पल में उठा करके फेंक सकता है। चंड बेताल जमीन के स्रोतों को बता देता है, धन को बता देता है, पानी को बता देता है, खनिज को बता देता है। चंड बेताल आगे भूत भविष्य वर्तमान की बातें बता देता है और किसी के भी जीवन में कोई भी प्रकार का भला बुरा कैसा भी परिवर्तन हो चंड बेताल कर देता है। मनुष्य को, जो साधक होता है, उसको अगर धन की आवश्यकता हो तो चंड बेताल उसे धन भी ला करके प्रदान करता है। इस तरह से चंड बेताल अपने आप में ही एक बहुत खतरनाक, बहुत उग्र और बहुत शक्तिशाली साधना है। छोटी सी साधना है लेकिन बहुत ताकतवर साधना है। जिसने भी इसको कर लिया उसको और कोई साधना करने की फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, इतना शक्तिशाली वो हो जाता है। मन की गति से वो व्यक्ति किसी भी वस्तु को कहीं से भी मंगा सकता है, भेज सकता है, इच्छा मात्र से कि अमेरिका में चीज आनी पड़ेगी उसके लिए। और अमेरिका में बैठे हुए, विश्व के किसी भी कोने कोने में बैठे हुए व्यक्ति का कोई भी भला बुरा करना हो, चंड बेताल की सिद्धि से वहाँ बैठे बैठे उस व्यक्ति को राज सपनों में जाया जा सकता है, उसका बुरा किया जा सकता है, उसका भला किया जा सकता है, उसको कोई बीमारी हो तो उसे छुड़वाया जा सकता है, उसको कोई बीमारी नहीं हो तो उसे कोई नई बीमारी प्रदान की जा सकती है। कोई भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो एक जगह से उठा करके उसके अंदर घुसेड़ दी जाती है। जैसे सुख समृद्धि हो तो उसके अंदर घुसेड़ी जा सकती है, बीमारियां तो उसके अंदर घुसेड़ी जा सकती है। इस प्रकार से चंड बेताल की एक शक्तिशाली साधना है, जिसे करके एक साधक अपनी मुट्ठी में बहुत सारी चीज़ों को कर लेता है, बहुत सारी सिद्धियों को कर सकता है। चंड बेताल का साधक जिस शक्ति को भी बुलाना चाहे, हनुमान जी की बात अलग है, उनका नाम मत लेना, जिस शक्ति को भी बुलाना चाहे, ऊपर की शक्तियाँ नहीं, नीचे की शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, ऐसी शक्तियाँ, इन शक्तियों में से जिसको भी बुलाना चाहे उस शक्ति को आज्ञा मात्र से बुला सकता है। तो इस प्रकार से चंड बेताल का साधक अपने आप में खुद एक बहुत बड़ी शक्ति हो जाता है। अब इस साधना को किया कैसे जाता है? दोस्तों, शुक्ल पक्ष की किसी भी सोमवार को आप इस साधना को कर सकते हो। जो सोमवार शुक्ल पक्ष का हो लेकिन अमावस्या के आसपास का हो, अमावस्या से पहले जो सोमवार आने वाला हो उस सोमवार के दिन से ही साधना को शुरू किया जाता है। क्या किया जाता है? अमावस्या के दिन के पास जो सोमवार आता है उस सोमवार से साधना को शुरू किया जाता है। चंड बेताल की साधना करने के लिए कुछ अनिवार्यताएँ हैं, उनको ध्यान में रखें। शंकर भगवान का पहले जिसने 1.25 लाख मंत्रों का कम से कम जाप किया हो, आदमी चंड बेताल की साधना करने के लिए एक उपयुक्त पात्र है, वो आराम से साधना कर सकता है। साधना में भगवान भैरव की पूजा जिसने पहले 21 दिन या फिर 11 दिन कर ली हो, वो आदमी आराम से चंड बेताल की साधना कर सकता है। शिवजी की पूजा, काली की पूजा, भैरव की पूजा, इन तीनों की पूजा जिस आदमी ने कर ली हो वो आराम से चंड बेताल को सिद्ध कर सकता है।
जिसने खाली हनुमान जी की पूजा की और किसी देवता की पूजा नहीं की हो, वो आदमी भी हनुमान जी की आज्ञा लेकर के पल भर में चंड बेताल को सिद्ध कर सकता है। थोड़ी सी देर में बैठेगा, चंड बेताल को आना ही पड़ेगा, हनुमान जी की दुहाई लेने के बाद में चंड बेताल को आना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हनुमान जी की आज्ञा हो तो ही वो साधक काम कर सकता है जो हनुमान जी का भक्त होता है। पूर्ण सात्विक तरीके से जो साधना करता है उसमें फिर उसको कोई भी प्रकार का तामसिक भोग नहीं देगा, सिर्फ सात्विक भोग ही देगा। और लेकिन वो पूर्ण सात्विक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें कि प्याज लहसुन खाने वाला भी नहीं चलेगा, किसी हींग खाने वाला भी नहीं चलेगा। हींग, प्याज लहसुन, कोई भी मुँह से बदबू आती है, बीड़ी, सिगरेट तो दूर की चीज़ है, इन चीज़ों को खाने वाला भी नहीं। इतना शुद्ध होना चाहिए सात्विक, तो वो आदमी आराम से इसको सिद्ध कर सकता है। तो चलो, एक कॉमन आदमी इसको कैसे सिद्ध करेगा वो आज मैं विद्या बताता हूँ। तो कॉमन आदमी कैसे सिद्ध करेगा, थोड़ी सी तो शंकर भगवान की पाठ पूजा भक्ति का किया हुआ रहना चाहिए, तो आराम से कर सकता है। तो अब आगे चंड बेताल की साधना बताता हूँ। दोस्तों, ये 7 दिन की साधना है, किसी भी सोमवार से शुरू होती है, सोमवार अमावस्या के आसपास को। उस समय आप किसी भी वीरान स्थान में जाएंगे जहाँ उजाड़ पड़ा हो, या फिर कोई पुराना प्राचीन शिव मंदिर हो जो टूट चुका हो, जो ध्वस्त हो चुका हो, ऐसा कोई शिव मंदिर कबाड़े जिसमें अब कोई पूजा वूजा होती नहीं हो और सब एकदम टूट फाट गया हो, ऐसा शिव मंदिर, उस शिव मंदिर में बैठ करके आपको साधना करनी पड़ती है, हिम्मत रखनी पड़ती है। इस पहले तो मैं सब बता रहा हूँ, ये भी कम खतरनाक नहीं है। अपने आप टूटा हुआ शिव मंदिर, ऐसे टूटे हुए वीराने खंडर देखते ही आदमी को डर लगता है। जो हिम्मत वाला होगा वही करेगा, जिसमें दम होगा, हिम्मत होगी, कलेजा होगा, गुर्दा होगा, वही आदमी करेगा। तो जो आदमी करेगा उसके लिए मैं अच्छी तरह से बता देता हूँ कि किस तरह से करेगा। तो सोमवार के दिन आप ऐसे मंदिर को ढूंढ लें, उस मंदिर में पहले भगवान शंकर की पूजा करके फिर उस मंदिर में आप जाएं। मंदिर में जाकर के आप काले कलर का एक आसन अपने साथ में ले जाएं, काले कलर का कोई आसन हो वो अपने साथ में ले जाएं, और काले ही खुद के वस्त्र होने चाहिए, क्योंकि अघोर साधना है ना, अघोर साधना में काले ही वस्त्र होते हैं। या फिर काले वस्त्र नहीं हो तो शमशान की विभूति हो, शमशान की विभूति पूर्ण नग्न होकर के और स्नान करके पूर्ण नग्न होकर के, और शमशान की जो विभूति होती है, शमशान की जो राख होती है, उस राख को पूरे शरीर पर लगा ले, लगा करके फिर इस साधना को करें। तो आप अघोर साधना को इसको कर सकते हो, चंड बेताल की साधना अघोर, तो इसको आराम से किया जा सकता है। तो इस साधना को करने के लिए आगे क्या करना पड़ता है दोस्तों, 11 बजे रात से साधना शुरू हो जाती है। साधना में पहले बुढ़ते ही आप सुरक्षा घेरा लगा लें, फिर कवच लगा लें, और सुरक्षा घेरा और कवच भैरव के ही मंत्र का होगा और किसी मंत्र का नहीं चलेगा। शिवजी गुरु का, गणेश जी का, शिव जी का और बेताल आधीश भगवान भैरव का आप पहले पूजा करें, उसके बाद में चंड बेताल की पूजा करें। चंड बेताल की पूजा करने के बाद में लड्डू और जलेबी का भोग दें, और भोग के बाद में जो सामान्य साधक हैं वो शराब का भोग दें, और तामसिक साधक हैं वो भी शराब का भोग दें, और ज़्यादा तामसिक साधक हैं तो वो बकरे की कलेजी का भोग दे सकते हैं, वरना बकरे की कलेजी का भोग देने की जरूरत नहीं। जो सात्विक साधक है, वैष्णव वृत्ति के, उनको बकरे की कलेजी या शराब का भोग देने की आवश्यकता नहीं, वो लड्डू पेड़े ऐसे जो मिठाइयाँ होती हैं उनका भोग दे सकते हैं, उनका भोग देकर के इस साधना को कर सकते हैं। अब आपने इतना काम कर लिया, आप गुरु मंत्र का जाप कर लें, गणेश मंत्र का जाप कर लें, इनका जाप करने के बाद में अब आपको 15 मिनट तक ध्यान लगाना है, और ध्यान में एक मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है, मंत्र चंड बेताल का ही है। 15 मिनट ध्यान लगाएंगे, ध्यान में एक मंत्र का जाप करेंगे, घोर वादनाय रुद्र रूपाय महाचंडेश्वराय नमस्तुते, घोर वादनाय रुद्र रूपाय महाचंडेश्वराय नमस्तुते। इस मंत्र का 15 मिनट तक मानसिक जाप करें, ध्यान में जाप करें। ध्यान में जाप करके अब आंखें खोल लें, और 3 प्रकार के कोई भी इत्र हों बढ़िया क्वालिटी के, उनसे एक रुई का फोहा भरें, रुई का फोहा भर करके वहाँ बेताल के नाम से रख दें, बेताल देव ग्रहण करो। अब बेताल देव को ये सब चढ़ा दिया, अब ये चढ़ाने के बाद में जो लड्डू और जलेबी है वो भोग भी बेताल देव को चढ़ाएं, बेताल देव को भोग चढ़ा दिया। अब यदि शराब का भोग देते हैं तो एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में शराब डाल करके वो शराब बेताल देव को चढ़ाएं, और जो मांस का भोग देते हैं वो मांस का भोग चढ़ाएं, जो मांस का भोग नहीं देते उनको मांस का भोग देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी किसी ठीकरे में, मिट्टी का जो टूट गया वो बर्तन होता है, मिट्टी का कोरा बर्तन होता है, कुमार के यहाँ होता है ना, टूट जाता है ना, उसमें उस मांस को देना पड़ता है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना मांस के भी कर सकते हो। इस प्रकार से आप ये सब देंगे, और उसके बाद में आंखें बंद कर करके 21 माला का, 21 रुद्राक्ष की माला होगी सिद्ध माला, उससे अब जाप करेंगे, 21 माला का जाप करेंगे। ऐसा 7 दिन तक आपको रोज रात 11 बजे से करना पड़ेगा।
जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि जैसे आंखें बंद करते हो आपको डरावने भयंकर डरावने दृश्य दिखाई दे रहे हैं, डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा भारी जीव जैसे डायनासोर आपके पास दम 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 करके चल रहा है, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें आपको सुनने को मिलेगी वहाँ। और मानस में ऐसे कई चित्र उभरेंगे, कई ऐसे डरावने दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन हिम्मत रखना, डरना मत। आखिर में जब आपकी आखिरी माला पूरी हो जाती है सातवें दिन, तब अपने आप शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाती है और कहेगी आंखें खोल, मैं आ गया हूँ। तब आप आंखें खोलें और उनको उनका भोग दें, उनको प्रणाम करें, उनसे वचन लें और उनको हमेशा अपने साथ रखें, और वो कहे मुझे स्थान दे, तो अब जो भी शरीर में स्थान देना चाहें वो स्थान उनको दे दें। उनको विशेष तो बाजू पर रखते हैं, या बोले कि बाजू पर रह जाना आप। बेताल को वैसे तो जीभ पर चलाया जाता है, लेकिन आगे या बेताल हो तो उसे जीभ पर स्थान देना चाहिए, बाकी जो बेताल हो उसको बाजू पर स्थान देना चाहिए। तो बाजू पर स्थान दे दोगे तो बाजू पर आपका अपने आप महसूस होता रहेगा कि बाजू पर कोई शक्ति आपके चल रही है। फिर आप जब भी शक्ति का आह्वान करोगे तब शक्ति आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे जाएगी, और जो कोई भी काम उनको बताओगे वो काम तत्क्षण पूर्ण होगा, और इस शक्ति के प्रभाव से कई प्रकार की दुष्ट शक्तियाँ आपसे वैसे ही डरती रहेगी। जहाँ आप बैठोगे उसके दूर दूर क्षेत्र तक कोई भी दुष्ट शक्ति ठहर नहीं सकती। दोस्तों इस प्रकार से बहुत बढ़िया साधना है, बहुत उच्च कोटे की साधना है। आज मैं एस्ट्रो कमल पर यह साधना दे रहा हूँ। दोस्तों अगर साधना अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या क्या करते हैं वो शेयर भी करें, बटन भी दबाएं, ऐसा ये सब कर दें जो आप जानते हैं वो सब कर दें, बढ़िया रहेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय भगवान शिव की।